हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेजी केमिकल्स के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 397 इसकी करंट प्राइस चल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक में ऑलमोस्ट 110% से भी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। और साथ साथ में अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस ट्रेडिंग सेशन में हमें 20% के ऊपर जो है क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। काफी बढ़िया स्टॉक बाउंस कर चुका है। पिछले काफी दिनों से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप यहां पे देखेंगे, एक लाइन हमने नीचे के साइड में ड्रॉ की है जो कि एक मेजर इंपॉर्टेंट अपट्रेंड सपोर्ट जोन को दर्शाती है। अभी देखिए दोस्तों, यहां पे ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था 350 का। फाइनली हमें यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला। इस ब्रेकआउट के चलते यहां पे जो है हमें और भी स्टॉक में अपसाइड बाउंस, अपसाइड तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। इन केस अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो यहां पे जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था अब वो सपोर्ट बन जाएगा और यहीं से स्टॉक में अगेन ऊपर की ओर बाउंस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे एमएसडी इंडिकेटर की, तो एमएसडी इंडिकेटर में भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन बार्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि मजबूती का सिग्नल दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी स्टॉक में फर्दर यहीं से ऊपर के साइड में अपसाइड में बाउंस तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे की सारी डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अप स्टॉक्स की, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पिछले एक साल में 114% से ज्यादा रिटर्न देखने को मिले हैं, काफी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लो देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है जो कि काफी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट एवरेज देखने को मिल रही है और अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं एक बार जरूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1296 CR का देखने को मिलता है। स्टॉक में हाई रिस्क हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। फोरकास्ट डेटा इज करंटली अनअवेलेबल बता रहा है तो इस पॉइंट को हम स्किप कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे पीएस की, तो सोलर इंडस्ट्रीज लिंड इंडिया साथ में दीपक नाइट्रेट्स में इसका कंपैरिजन किया जाता है। और यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन की भी बात करेंगे तो आप देख सकते हो सेक्टर वाइज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी, काफ़ी अच्छा बाउंस, काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले दिनों में और भी स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।